जहां पर पहली तस्वीर आपको चित्रकूट की दिखाएंगे, यहां पर बैलगाड़ी पर प्रदर्शन किया गया, दूसरी तस्वीर आगरा से है और अमरोहा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा इन चार जगह की तस्वीरें जहां पर कांग्रेसियों का यह हल्ला बोल जारी है। कांग्रेसी यहां पर लगातार प्रदर्शन करते बढ़ती महंगाई को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर नजर आए हैं। तो कांग्रेसियों का हल्ला बोल है बढ़ती महंगाई को देखते हुए यहाँ पर बढ़े हुए दामों को लेकर, पेट्रोल डीजल के दाम हो और चाहे महंगाई ही क्यों ना हो, हर जगह इस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। अलग अलग जनपदों से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर की तस्वीरें भी आपके सामने, सड़कों पर यहां पर कांग्रेसी प्रदर्शन करते यहां पर नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतरकर यहां पर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। आगे आपको तीन और तस्वीरें हम दिखा देते हैं जहां पर ये तस्वीर है गोरखपुर, नोएडा, मिर्जापुर की। यहां पर भी बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेसी, पेट्रोल डीजल गैस के बड़े दामों को लेकर यहां पर तीन जिलों की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे पुलिस इन सभी को वहां से हटाने का प्रयास कर रही है और पुलिस के साथ भी यहाँ पर नोकझोंक होती दिखी है यहाँ पर कांग्रेसियों की। और प्रतापगढ़ की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर महंगाई के विरोध में उतरी कांग्रेस, दिखा यहाँ पर कांग्रेसियों में इस प्रकार उत्साह भी, जिस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी, पेट्रोलियम पदार्थों सहित आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनके जो दाम आसमान को छू रहे हैं उन्हीं को लेकर यहाँ पर ये विरोध किया जा रहा है। घोड़ाघाड़ी पर बैठकर यहाँ पर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन से शुरू हुआ इनका जुलूस शहर के 3 किलोमीटर के चक्कर लगाकर पहुंच रहा है कार्यालय पर। आगे तस्वीर जो है वो प्रयागराज की आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर भी महंगाई को लेकर प्रदर्शन हुआ है कांग्रेसियों का। यहाँ पर भी नैनी में प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट कर लिया गया है जो कि यहाँ पर सड़कों पर थे, पुलिस मौके पर पहुंची, कई प्रदर्शनकारी अरेस्ट हुए। बॉम्बे बोल, पेट्रोल 100 डीजल 90 और सरकार ये लुटेरी सरकार है, जनता से पैसा लूट रही है। पिछले 10 महीने में सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे, सिर्फ डीजल पेट्रोल से 2,80,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये वही सरकार है जो जुमला देती थी कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। महंगाई डायन उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी परेशान है। महंगाई डायन इनके जमाने में खाए जा रही थी, आज महंगाई डार्लिंग हो गई है उत्तर प्रदेश सरकार में। हम ये कह रहे हैं गैस के दाम कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, सरसों के तेल के दाम कम करो, गाँव के बिजली का बिल जो इतना बड़ा है ये भी मुद्दा है उसको कम करो, सारी वस्तुओं के महंगाई के दाम कम करो, फीस जो बढ़ी है उसके दाम कम करो, दाम में बढ़ी हुई पैसे के दाम करो, कंपटीशन के बुक में जो दाम बढ़े उसको कम करो, हमारा यही मुद्दा है। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्वक से, लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के सारे पर पुलिस आंदोलन नहीं करने दे रही जो दुर्भाग्यपूर्ण है। खबर पर धीरेन्द्र, यहाँ पर सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सलाखों के पीछे भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब उनके प्रदर्शन के बाद क्या तस्वीर दिख रही है वहां पर इनके प्रदर्शन को लेकर? देखिए, जो प्रयागराज की अगर बात की जाए तो प्रयागराज में कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन का, जो नैनी इलाके से प्रदर्शन का ऐलान किया था और कलेक्ट्रेट तक उनको बैलगाड़ी के साथ आना था, लेकिन पहले से प्रदर्शनकारी का जो समय था यानी 11:30 बजे का समय दिया गया था वो वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे, कई थानों की फोर्स वहां तैनात कर दी गई थी और प्रदर्शन के जैसे ही प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो कांग्रेसी है वो कई टुकड़ियों में जगह जगह प्रदर्शन किए हैं, अब जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं पूरी तरीके से कई जगहों पर पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है, 3 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारियों के लिए। वे कानपुर में भी कांग्रेसियों ने तेल के बढ़ते दामों पर अनूठा प्रदर्शन किया है, यहाँ पर खड़खड़ी की सवारी करते हुए विरोध प्रदर्शन हुआ है, लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन। और अवनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, कांग्रेस का कानपुर में भी हम देख पा रहे प्रदर्शन हो रहा है सड़कों पर, यहां पर कितने किलोमीटर के दायरे में प्रदर्शन करते दिख रहे हैं ये कांग्रेसी? तो
दोबारा आपके पास आएंगे अवनीश फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अगली खबर करो करेंगे। बुलंदशहर में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने भैंसा बुग्गी और बैलगाड़ी रैली निकाली। शहर की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता निकले और यहां पर भैंसा बुग्गी बैलगाड़ी में रैली निकालते हुए नारेबाजी की गई है। बढ़ती महंगाई को लेकर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। भैंसा बुग्गी रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने मिट्टी का चूल्हा भी यहां पर सुलगाया है। बढ़े हुए गैस के दाम, पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। लाठी गोली की सरकार, महंगाई की ये सरकार, कन्नौज में पेट्रोल पदार्थों की यहां पर बड़ी कीमतों को लेकर विरोध में यहां पर कांग्रेसी और इसी के साथ कांग्रेस ने बैलगाड़ी यात्रा निकालकर जताया है विरोध अपना। सदर तहसील से कलेक्ट्रेट तक यहां पर बैलगाड़ी जुलूस निकला है। केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला किसान और आमजन विरोधी सरकार बताया है। राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम करने की मांग। यहां कन्नौज में भी पेट्रोलियम पदार्थों की बड़ी कीमतों के विरोध में बैलगाड़ी यात्रा हुई है। कांग्रेस ने बैलगाड़ी यात्रा निकालकर जताया है विरोध। सदर तहसील से कलेक्ट्रेट तक यहां पर यह जुलूस निकला है। केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला किसान आमजन विरोधी सरकार के यहां पर नारे लगाए गए हैं। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अमरोहा में महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों के विरोध में यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता आ गए और इसी के साथ प्रदेश सचिव सचिव चौधरी ने कहा है कि जनता महंगाई से त्रस्त। कांग्रेस एक मांग करती है कि डीजल पेट्रोल के दाम उतने ही कर दो जितने कांग्रेस के समय में थे और ये देश छोड़कर चले जाओ, ये गद्दी छोड़कर चले जाओ, बड़ा आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। कहां चले जाओ? अपने वहीं आश्रमों में चले जाओ, वहीं घंटे बजाओ, क्योंकि आपको देश और प्रदेश चलाना नहीं आता। और प्रबल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रबल, यहां पर भी काफी संख्या में कांग्रेसी दिख रहे हैं हमें सड़कों पर, कहां जाकर उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है बढ़ती महंगाई को लेकर? तो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, प्रबल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रबल, यहां पर महंगाई को लेकर ज्ञापन सौंपा गया अभी तक? बिल्कुल शिवांगी, देखिए महंगाई इस समय आसमान छू रही है और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा स्थिति में पेट्रोल के दाम 98 से ऊपर हैं और जो डीजल है वो 90 रुपए से ऊपर है। आज उसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आरएलडी ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने जो भैंसा बुग्गी होती है और बाइक और आपकी क्या नाम है स्कूटी वगैरह सब पैदल यहां पर खींचकर उन्होंने अपना विरोध जताया। उनका साफ तौर से कहना है कि लगातार प्रदेश सरकार में जो महंगाई है वो आसमान छूती जा रही है और तमाम जो सारे मुद्दे पर जो सरकार है, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की बात कर रही हो सरकार, उन पर कर रही है, लेकिन जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर सरकार कोई बात नहीं कर रही है। फिलहाल आज कांग्रेसियों ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और अब देखना होगा किस तरीके से जो सरकार पर असर पड़ता है या महंगाई इससे कम होगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल इन तमाम जानकारियों के लिए। आगरा में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। यहां पर भी प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी नोकझोंक धक्का मुक्की देखी गई। जिला मुख्यालय जाने से पहले ही यहां पर पुलिस ने कांग्रेसियों को रोका। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतापपुरा चौराहे पर मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया।